लियाकत साहब ने खुशदार से पूछा, पिछले साल वालिदा के साथ उम्रा किया था, कुछ पैसे कर्ज लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज उतर गया है, अभी प्लॉट फरोख्त करके बच्चों के साथ उम्रा करना चाहता हूँ, क्या ये सही है या इन पैसों से गरीबों की मदद कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है? बस इस तरह की सूरत हाल में यह जो तआरुज वाली सूरत है ये कायम नहीं करनी चाहिए और दोनों काम हत्तल इम्कान करने चाहिए जी। तो उम्रे पर जाकर मतलब ख़र्चा कुछ ऐसे अहतमाम और इक्तिसाद और मियान रवि के साथ हो के उसमें से गरीबों के लिए भी कुछ बच जाए तो दोनों काम कर ले। अलबत्त अगर वाकई कोई ऐसी ज़रूरत है कि सामने एक आदमी भूख और इफलास की वजह से बहुत ही शदीद हालत में है और उसकी मदद है और दूसरी तरफ उम्रा है, तो ऐसी हालत में तो जो सामने फौरी ज़रूरत है उसको तरजीह देनी होगी। लेकिन अगर वैसे कोई अमूमी बात है, जैसे कि आम तौर पर एक फ़लसफा आजकल गढ़ लिया गया है कि जितने भी नफले इबादत हैं माली, तो उसकी जगह ये काम किया जाए, तो वो सही नहीं है। अगर इस शोबे को बिल्कुल ही मतरूक किया जाए तो इसके अपने फ़वाद व बरक़ात उससे महरूमी होगी, तो बिलमूम दोनों का अहतमाम करना चाहिए। अलबत्त जहाँ बिलफेल कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई गरीब मोहताज बहुत शदीद हालत में है तो उसका तआवुन फिर मुकद्दम है। बहुत शुक्रिया।